यदि आप इस वीडियो की लिंक देखें परंतु त्वरित प्रभाव से इस पर क्लिक करके इस वीडियो को अंत तक ना देखें, तब तो मुझे आपसे कहना ही पड़ेगा कि आई थिंक यू आर बिजी। एवं आइए इसी के साथ, आई थिंक यू आर बिजी का हिंदी में क्या अर्थ होता है एवं इन शब्दों का उपयोग कब किया जाता है यह जान लीजिए। यहाँ पर आई थिंक का अर्थ है मैं सोचता हूँ अथवा मुझे लगता है, एवं यू आर बिजी का अर्थ है कि आप व्यस्त हैं। इन शब्दों का उपयोग आप तब करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से संपर्क साधें एवं वह व्यक्ति आपको कोई भी उत्तर ना दें। यह संपर्क टेलीफोन कॉल भी हो सकता है जिसे वह व्यक्ति ना उठाएं, अथवा किसी प्रकार का SMS अथवा चैटिंग ऐप पर संदेश भी हो सकता है जिसका कुछ समय बीत जाने पर भी आपको कोई उत्तर प्राप्त ना हो। अब इन बातों को ध्यान में रखकर, यदि आप एक पुरुष हैं एवं आई थिंक यू आर बिजी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तब इन शब्दों का हिंदी में अर्थ है कि मुझे लगता है कि आप व्यस्त हैं, अथवा मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो, अथवा मुझे लगता है कि तू व्यस्त है। यहाँ पर यदि आप मुझे लगता है के स्थान पर मैं सोचता हूँ शब्दों का उपयोग करें, तब आई थिंक यू आर बिजी का हिंदी में अर्थ बन जाएगा कि मैं सोचता हूँ कि आप व्यस्त हैं, अथवा मैं सोचता हूँ कि तुम व्यस्त हो, अथवा मैं सोचता हूँ कि तू व्यस्त है। इसी प्रकार यदि आप स्त्री हैं एवं आई थिंक यू आर बिजी शब्दों का उपयोग कर रही हैं, तब इन शब्दों का हिंदी में अर्थ है कि मुझे लगता है कि आप व्यस्त हैं, अथवा मुझे लगता है कि तुम व्यस्त हो, अथवा मुझे लगता है कि तू व्यस्त है। यहाँ पर यदि आप मुझे लगता है के स्थान पर मैं सोचती हूँ शब्दों का उपयोग करें, तब आई थिंक यू आर बिजी का हिंदी में अर्थ बन जाएगा कि मैं सोचती हूँ कि आप व्यस्त हैं, अथवा मैं सोचती हूँ कि तुम व्यस्त हो, अथवा मैं सोचती हूँ कि तू व्यस्त है। अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए।